हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। नॉरफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है 400 mg टैबलेट है, उसके बारे में जानेंगे, उसकी कैटेगरी के बारे में जानेंगे, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड है उसके बारे में जानेंगे, किस किस ब्रांड के नाम से आपको और नॉरफ्लॉक्सासिन मिल जाएगा उसके बारे में जानेंगे, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में लेना है, आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इस दवा को कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सीएन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सीएन गजबीए में। दोस्तों, नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटी बैक्टीरियल दवा है जो कि फ्लोरोक्विनोल्स डेरिवेटिव्स है। ठीक है दोस्तों, यह डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करके बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है। दोस्तों, यह दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन इन सभी से काफ़ी सिमिलरिटी रखती है। अगर दोस्तों हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो है उसके ब्रांड के बारे में देखें तो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है नॉरफ्लॉक्स टैबलेट, जो कि सिप्ला का है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों नॉरफ्लॉकैम, जो कि एल्केम लेबोरेटरी का आता है, नॉरफ्लैश टैबलेट और नॉरलेट टैबलेट एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह दवा जो है आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, आप इसका जेनरिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो दोस्तों, यह टैबलेट 100 mg और 200 mg, 40 mg और 800 mg में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट है वो सिंगल फॉर्म और कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपको मिल जाएगी, दोनों में ही अवेलेबल होती है। जब यह कम्बाइंड फॉर्म में होती है तो सबसे ज़्यादा यह नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टिनेजोडोन के कॉम्बिनेशन के साथ में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है उसके उपयोग, उसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोग जो है दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई में इसका उपयोग किया जाता है। और यूटीआई के अंदर क्या होता है दोस्तों, मरीज के पेशाब में जलन व दर्द होता है। क्या होता है दोस्तों, पेशाब बार बार आ सकती है, पेशाब क्या है, पेशाब करने में जलन हो सकती है, पेशाब के साथ साथ क्या है, कभी कभी मवाद मतलब पस भी आ सकती है, फीमेल के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर के द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा उपयोग है बैक्टीरियल डायरिया में, मतलब जब कभी भी स्टमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें डायरिया यानी कि दस्त होने की कंडीशन मरीज में बन जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में भी नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनेडाजोल जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉरफ्लॉक्सासिन का उपयोग दोस्तों लैक्टोबैसिलस के साथ भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला उपयोग है जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि अगर पुरुष हो या फिर महिला हो, जननांगों में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि वहाँ पर जलन हो या फिर वाइट डिस्चार्ज हो महिलाओं के अंदर, उस समय भी डॉक्टर के द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो है उसका उपयोग होता है, अगली उपयोग है दोस्तों गोनोरिया डिजीज़ में। गोनोरिया डिजीज़ मतलब एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिसर डिजीज़ होती है जो कि नाइजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से फैलती है। दोस्तों, ये डिजीज़ के अंदर पेशाब करते समय जलन व दर्द, मासिक धर्म में ज़्यादा बहाव मतलब कि ब्लीडिंग, पुरुषों के अंडकोश में दर्द व सूजन, फ्रेश होते समय दर्द इत्यादि आदि लक्षण रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस बीमारी में भी डॉक्टर के द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में भी यूज़ किया जाता है तथा टाइफाइड फीवर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ब्लैडर इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है और किडनी इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दवा के अब बात करते हैं दोस्तों इस दवा के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों हेडेक, डिजीनेस, रेसेस, साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है,
ठीक है दोस्तों। इनसोम्निया मतलब कि मरीज को नींद नहीं आना, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन, मस्कुलर पेन मतलब बॉडी में पेन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट के। और यदि आपको दोस्तों इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो आप प्लीज़ इस टैबलेट को बंद कर दें, ठीक है दोस्तों, और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट को कब लेना है, नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट को कैसे लेना है, इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका डोज जो है पेशेंट की डिजीज़, पेशेंट की एज और पेशेंट को किस प्रकार की बीमारी है उस पर डिपेंड करता है। इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना होता है। अगर हम यूटीआई की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कितनी मात्रा में लेना है, तो 400 mg दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है और इसे 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों गोनोरिया डिजीज़ की, तो डॉक्टर के द्वारा इसे 800 mg दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में इसका डोज कितना होता है, तो 400 mg जो है दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों टाइफाइड फीवर की, तो इसे 400 mg दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है और यह टैबलेट जो है दोस्तों 14 दिन तक टाइफाइड में लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों बैक्टीरियल डायरिया की, तो इसमें डॉक्टर के द्वारा 400 mg जो है 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है और इसे 5 दिन तक लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इस दवा को अलग अलग प्रकार की जो डिजीज़ है उसमें दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा को लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए या फिर यह दवा कौन कौन सी दवा के साथ कॉन्ट्राइंडिकेट की जाती है। तो दोस्तों जो भी पेशेंट जो है फ्लोरोक्विनोल्स से एलर्जिक है, तो उन मरीजों को यह दवा कभी भी नहीं दी जाती है। दोस्तों हम बात करें यदि प्रेग्नेंट महिला या फिर दूध पिलाने वाली जो माता है उनको भी इस टैबलेट को लेने की सलाह नहीं दी जाती है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। जब भी आप कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।